So the paper we have analyzed and the paper was really easy. It was completely from NCERT. जैसा हम हमेशा कहते हैं कि NCERT is your basics. सबसे ज़्यादा उसी को ही समझना है पेपर के लिए और उसमें से ही पेपर आता है. So बहुत easy पेपर है. पेपर इजी है अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किए हैं. सब कुछ NCERT से आया है. Let us analyze the paper and see certain questions. Today I am discussing with you part botany section A. तो देखते हैं क्या क्या questions आए. Coming to section A, question number 101. This question is from chapter molecular basis of inheritance. Very easy question. Lac operon से question आया है बेटा. The lactose present in the growth medium of the bacteria is transported to the cell by the action of. So basically, lac operon E. coli में present होता है to utilize or metabolize sugar lactose. और उस operon में three structural gene होती है. Operon क्या होता है? A cluster of structural gene which are under the control of single promoter and hence all the genes are transcribed as single mRNA. Correct? तो lac operon में तीन structural genes होती हैं. अगर हम lac operon बनाएं Z, Y और A, ठीक है. अब यहां पर इनका प्रमोटर होगा, पर प्रमोटर के आगे कौन होता है? ऑपरेटर रीजन, है ना. फिर एक जीन होती है आई जीन जो इनहिबिटर रिप्रेसर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करती है और उसका प्रमोटर होता है. जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कोड करती है और बीटा गैलेक्टोसाइडेस इज द एंजाइम विच इज यूज्ड फॉर मेटाबोलाइजिंग बीटा गैलेक्टोसाइड जैसे कि लैक्टोज. करेक्ट. वाई जीन इज कोडिंग फॉर द एंजाइम परमीएज और परमीएज की हेल्प से ही द लैक्टोज गेट इनसाइड द सेल. ए जीन कोड करती है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए. तो आपसे क्वेश्चन था, पूछा गया था कि लैक्टोज की एंट्री सेल में किसकी वजह से होगी. सेल में लैक्टोज की एंट्री बाय द एक्शन ऑफ परमीएज एंजाइम कोडेड बाय जीन वाई. और आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी में भी क्लियरली लिखा है कि थोड़ा बहुत ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज विच इज लीकी एक्सप्रेशन, तभी परमीएज थोड़ा सा अलाउ करता है. एंड देन जैसे ही ओपेरॉन चलेगा तो और अमाउंट में परमीएज तो बनेगा ही. सो द आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 102. Lecithin is a small molecular weight organic compound found in living tissue. So ये है तो आपका biomolecule से. वैसे lecithin जो है एक तरीके का basically phosphoglyceride है. It is a group of phosphoglycerides. तो lecithin क्या होगा? Phosphoglyceride यानी phospholipid. So it is found and is an example of what they have asked. Carbohydrate नहीं होगा, अमाइनो एसिड नहीं होगा, फॉस्फोलिपिड्स जैसे हमने कहा. तो इट इज फॉस्फोलिपिड्स. बायोमोलिक्यूल्स में जहां पर आपको लिपिड्स का पैराग्राफ एक्सप्लेन किया गया है उसकी लास्ट लाइन में ही दिया है एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड लेसिथिन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर. अगेन वेरी स्ट्रेट एंड ईजी क्वेश्चन. तो इसमें डायरेक्टली बेटा मैच करना है. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड प्रोडक्शन में यूज होता है. सो ए का हो गया थर्ड ऑप्शन. देन सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी देखा जाए तो ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होता है. फर्मेंटेशन से वाइन अल्कोहल इथेनॉल वगैरह बनता है तो फर्मेंटेशन हो रहा है तो इथेनॉल बनेगा. सो बी का ऑप्शन हो गया 1. देन वी हैव ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट विच इज साइक्लोस्पोरिन ए. जो भी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट होता है तब इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं. वन ऑफ द इम्यूनो सप्रेसेंट इज साइक्लोस्पोरिन ए जो ट्राइकोडर्मा की हेल्प से बनाया जाता है. सो सी का हो गया 4. एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम डी विल बी 2. सो ए का थर्ड हुआ, बी का फर्स्ट हुआ, सी का फोर्थ
एंड देन डी इज टू. सो आर ऑप्शन नंबर 4 मैचेस वेरी करेक्टली, वेरी इजी अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड सोलूस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dN by dt RN K minus N upon K, जिसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं. तो इस इक्वेशन में उन्होंने पूछा है कि K क्या है. अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एक आइडल इक्वेशन है, क्योंकि एक आइडल सिचुएशन में बात की जाती है. लेकिन हर नेचर की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. सो वी नीड टू कंसिडर दैट वाइल वी कैलकुलेट द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. तो के वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी को, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल नेचर कैन सपोर्ट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल. सो के किसको इंडिकेट करेगा? कैरिंग कैपेसिटी को. पॉपुलेशन डेंसिटी रॉन्ग, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज रॉन्ग, वो तो आर होगा उसमें. बायोटिक पोटेंशियल रॉन्ग, आर जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है बेटा, यहाँ पे आर यही बताता है बायोटिक पोटेंशियल भी. हमसे पूछा था के, सो द आंसर विल बी 4 विच इज कैरिंग कैपेसिटी. यही स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो पूछी जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, hint to always cut the DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists of. देखिए hint 2 का recognition sequence 6 base pair का होता है, ठीक है. अब वो 6 base pair पे ही cut करता है, उसको recognize करता और cut करता है. अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं भी था, बट एटलीस्ट 6 बेस पेयर कटर याद होना चाहिए, तो ऑप्शन होगा नंबर 3, 6 बेस पेयर. अगर आपको मैं सीक्वेंस बताऊं, तो दिस इज जी टी, देन देयर इज सम पायरिमिडीन. पायरिमिडीन क्या होते हैं? या तो थाइमीन या फिर दिस योर साइटोसिन. और फिर वी हैव सम प्यूरीन विच इज एडेनिन एंड गुआनिन, और उसके बाद ए सी. सो ये 6 पेयर का सीक्वेंस होता है जो वो रिकॉग्नाइज करता है और कट करता है, ठीक है. तो आंसर होना चाहिए था 6 बेस पेयर. क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इसको बहुत ध्यान से, इजी क्वेश्चन है, पढ़ना है. देखिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ गया. कैम्बियम कैसा टिश्यू है? इट इज मेरिस्टमैटिक इन नेचर, है ना, हमेशा डिवाइड करने वाला टिश्यू है. सो ये तो एक मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, और पैरेन्काइमा से ये बनता है. पैरेन्काइमा कैसा टिश्यू है? इट इज बेसिकली फुल्ली डिफरेंशिएटेड, फुल्ली डिफरेंशिएटेड. तो अगर आप एक फुल्ली डिफरेंशिएटेड टिश्यू से मेरिस्टमैटिक टिश्यू बनाएंगे, तो ऐसे केस में ये जो प्रोसेस हुआ, फ्रॉम अ डिफरेंशिएटेड स्टेट यू आर गोइंग टुवर्ड्स मेरिस्टमैटिक स्टेट, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन. मतलब फ्रॉम मेरिस्ट डिफरेंशिएटेड इट इज कमिंग बैक टू इट्स मेरिस्टमैटिक स्टेट. तो ये डी डिफरेंशिएशन का फिनोमिना शो करेगा, यानी जहां पर डिफरेंशिएशन वापस चला गया, क्योंकि एक डिफरेंशिएटेड सेल कभी डिवाइड नहीं कर पाता है, पर अब ये डिवीजन में वापस जा रहा है. सो डी डिफरेंशिएशन, डी मतलब एब्सेंस, रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेस एंजाइम बाय मैलोनेट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार नीट में रिपीट हुआ है. आपको बताया भी था क्लासरूम सेशंस में भी कि ये क्वेश्चन आता ही आता है. तो सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक फिनोमेना है जहां पर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक ही साइट के लिए फाइट करते हैं, विच इज एक्टिव साइट. एंजाइम की एक्टिव साइट पर कौन बैठता है? सबस्ट्रेट. और फिर उसका कन्वर्जन होता है किसमें? प्रोडक्ट में, करेक्ट. लेकिन अगर सबस्ट्रेट का एक कॉम्पिटिशन लग जाए इस साइट के लिए,
तो कंपटीशन होने वाला है। अब यहाँ पर इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों ही इसी साइड पे बैठना चाहते हैं। अगर सबस्ट्रेट इस साइड पर बैठ जाए तो रिएक्शन जैसा चलना था वैसे ही चलेगा, यानी आपका वीमैक्स वैल्यू सेम रहेगा। पर सबस्ट्रेट को जिताने के लिए हमें सबस्ट्रेट ज्यादा डालना पड़ेगा, तो KM वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सबस्ट्रेट और इनिबिटर सेम साइट के लिए क्यों फाइट कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो वो दोनों यहाँ फिट हो सकते हैं। एंड एंजाइम को भी नहीं पता लग पाता कि सबस्ट्रेट बैठा या इनिबिटर बैठा। अगर इनिबिटर बैठ गया तो रिएक्शन तो वहीं रुक जाना है। मैलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का इनहिबिटर है कॉम्पिटिटिव, जबकि सक्सिनिक एसिड इज द सबस्ट्रेट। सक्सिनिक एसिड और मैलोनेट के स्ट्रक्चर बहुत सेम होते हैं, सो ये क्या शो करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड, ये हमारा सबस्ट्रेट है, और मैलोनेट इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्यों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बहुत इजी क्वेश्चन था। So inhibition of succinic dehydrogenase by malonate is an example of competitive inhibition. Next question, list of endangered species was released by. तो endangered species जितनी भी होती हैं वो IUCN basically release करता है। IUCN red list आती है जिसमें threatened, endangered ये सब बताया जाता है। So IUCN is the direct answer. इकोलॉजी से ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटो कोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग। देखो, प्रोफेज के एंड तक कंडेंसिएशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट होता है, एंड कंप्लीट कंडेंसिएशन मेटाफेज की बिगनिंग है। ठीक है, जितना कंडेंस होना था क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका होता है, एंड इट फॉर्म्स द डीएनए क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म एक्स शेप रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। फिर ये सारे क्रोमोसोम मेटाफेस प्लेट पर, यानी एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द सेल अरेंज हो जाते हैं, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, और इनकी जो काइनेटोकोर है, द प्रोटीन डिस्क जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, विच कम्स फ्रॉम द सेंट्रियोल, जो कि पोल पर प्रेजेंट होता है ना, पोल्स पर सेंट्रियोल होते हैं, वो काइनेटोकोर को अटैच कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर से, ताकि एनाफेज में ये स्प्लिटिंग हो सके। पर हमारा क्वेश्चन था कि स्पिंडल फाइबर अटैच कब होता है, तो अटैच तो कौन सी स्टेट में हो जाता है, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में अटैच हो जाता है, सो आंसर इज मेटाफेज। आया समझ में? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस से, ये भी बार बार हमने क्लासरूम सेशन में आपको करवाया है, इट इज सो इजी। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड? तो पहले आपको एटीपी का बताना है, फिर एनएडीपीएच का। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू के लिए, यानी पर सीओ टू मॉलिक्यूल। देखिए, केल्विन साइकिल में तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फिक्सेशन। जब CO2 फिक्स होता है RuBP के साथ, है ना, RuBP प्लस CO2 किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को की प्रेजेंस में, फॉर्मिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। रुबिस्को की प्रेजेंस में फिक्स होगा, where the rubisco will act as carboxylase only to form two molecules of 3-phosphoglycerate या glyceric acid। ठीक है, next step है reduction। reduction step में जो 3-PGA form हुआ था उसका reduction किया जाएगा by a multiple step reaction, जो आपकी book में बहुत detail में नहीं है आपके syllabus में, but उस step में
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच लगते हैं। एटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एनएडीपीएच हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर, तभी रिडक्शन होगा। और ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज बनाने के लिए हालांकि फिक्सेशन करना पड़ेगा कम से कम 6CO2 का। अब क्यों दो क्यों लगे बेटा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स को हमें रिड्यूस करना है, तो हर एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए के लिए एक लगेगा, तो दो के लिए कितना लगेगा, 2 ATP और 2 NADPH। क्लियर? फिर इसको केल्विन साइकिल को बार बार चलाना है तो उसके लिए RUBP जो हमारा सबस्ट्रेट है उसे रीजेनरेट करना पड़ेगा। सो द लास्ट स्टेप इज रीजेनरेशन ऑफ RUBP। RUBP को रीजेनरेट करते रहिए, और रीजेनरेशन करने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP लगता है। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अगर हम देखें पूरे केस में कितने ATP के मॉलिक्यूल यूज हुए, 3, 2 यहां और 1 यहां, 1 CO2 फिक्स किया तब। और कितने NADPH लगे, 2 रिडक्शन स्टेप में। सो यू रिक्वायर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, विच इज आंसर 1। ऑप्शन 1 में ही दिया है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। क्लियर हुआ बेटा? वेरी इजी।